देश में लॉकडाउन 3 की शुरुआत तो हो चुकी है और जिलों को अलग अलग रंगों में भी बांट दिया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आपके जिले में गृह मंत्रालय ने किस काम को करने की अनुमति दी है और किस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। तो चलिए इसको खुद ही जान लेते हैं। इस खबर के बाद आप समझ पाएंगे कि आपको क्या छूट मिलेगी और क्या क्या छूटों में पाबंदी लगाई गई है। गृह मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट पूरी तैयार की है और आपको वो हम तफसील से बताएंगे। नमस्कार, न्यू स्टूडेंट नेटवर्क हर कदम तरक्की की ओर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को हम रेड जोन से, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसको लेकर इस समय हाहाकार मची हुई है। कोरोना से मरने वालों की भी संख्या ज़्यादा है। क्या है रेड जोन का मतलब? ये जोन सबसे खतरनाक है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर संक्रमण की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और यहाँ की वजह से कई दूसरी जगह संक्रमण के बढ़ने की आशंका काफ़ी अधिक है। एक बात और, जो इलाके रेड जोन में हैं उनमें कई इलाकों को हॉटस्पॉट भी कहा जा रहा है, क्योंकि उसके मानक भी अलग हैं। जिन इलाकों में 15 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस होंगे उन्हें रेड जोन में रखा गया है। गृह मंत्रालय ने रेड जोन में शहरी क्षेत्र के मॉल बाजार बंद रहेंगे, इसको लेकर एक निर्देश जारी किया है। लेकिन कॉलोनी और बाहर की व्यक्तिगत दुकानें खुली रहेंगी, यानी कि जो इंडिविजुअल शॉप हैं उनको खुलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। व्यापारी इससे खुश हो सकते हैं। इनमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी का कोई अंतर भी नहीं रहेगा। सभी दफ्तर 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे, बाकी स्टाफ घर से ही काम करेगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की जो मोदी जी की पॉलिसी है उस पर काम करेंगे। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें और मॉल भी खुलेंगे और कुरियर सेवाएं भी खुलने की अनुमति दी गई है। अगर 14 दिन के अंदर रेड जोन में कोई केस नहीं आता है कोरोना का, तो उसे ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाएगी और रिपोर्ट के बाद शासन इसमें निर्णय लेगा। अब बात कर लेते हैं ऑरेंज जोन की। इस तरह के जोन में वो इलाके या जिले हैं जहां पर संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। इस जोन में संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में पाबंदियों में कुछ ढील दी जा रही है। इनमें लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने की छूट शामिल है। इसके लिए प्रशासन चाहे तो सीमा जो बंद और खुलने की जो सीमा है वो निर्धारित अपने हिसाब से कर सकता है। इसमें ओला, उबर और प्राइवेट टैक्सी को एक व्यक्ति के साथ सफर करने की अनुमति दी है। साथ ही बाइक पर पिछले सीट पर जो व्यक्ति बैठना चाहता है उसको भी बैठने की अनुमति दी है। कई दोस्त लोग इस बात को काफ़ी सफ़र कर रहे थे। साथ ही इसमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कुछ सेवाओं की आपूर्ति भी चालू रहेगी जो आवश्यक सेवाएं से संबंधित है। बसों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी, पर्सनल टैक्सी जारी रहेगी और व्यक्तिगत दुकानें प्रशासन की समय अवधि के अनुसार खोली जा सकेंगी। स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। और अंत में क्या है ग्रीन जोन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इलाके हैं वो ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन का अर्थ हुआ संक्रमण मुक्त है, लेकिन अगर 21 दिन के अंदर एक भी संक्रमित व्यक्ति मिल जाए तो उसको ऑरेंज जोन में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ पर प्रशासन लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी चीज़ों को खरीदने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात मानना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं मानेंगे तो उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए यहाँ बोला गया है, यहाँ मॉल सहित सभी दुकानें भी खुल सकेंगी। लेकिन यहाँ 50% जो 33% स्टाफ की बात कही गई है, 50% बस चलाने की अनुमति भी दी जाएगी। यहाँ पर ज़िलों में DM को का विवेक भी रहेगा कि किस तरीके से कैसे वो उनको अनुमति देते हैं। ग्रीन जोन के अंदर भी जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उन्हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाज़त नहीं होगी। अगर वो मेल जोल करने का प्रयास करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ सरकार के पास नियम है कि उनमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत DM इसमें कार्रवाई कर सकता है। ये वीडियो दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि उनका ज़िला किस तरीके से कैसे काम करेगा, कैसे उनकी दिनचर्या होगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।